हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माइन एंडोरपुर साइड। और मॉर्निंग के बज गए हैं 6 और मैं और डोरुपुरु यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने आए हैं। डोरू हो रहा है फ्रेश और ये फ्रेश होते होते रोड पर ही आ गया, आई थिंक हो चुका है। और चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वॉक करते हुए। यही हमारा टाइम है, डेली रूटीन है कि हम लोग वॉक पे निकल जाते हैं और यहाँ से राइट जाता है टेम्पा और यहाँ से सामने मुझे नहीं पता और यहाँ से लेफ्ट में जाता है क्लियर वाटर। तो मैं और डोरू चल रहे हैं धीरे धीरे और मैं इसको वॉकी वॉकी करा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी सी आगे जाके, फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं वॉक करने। सो मैं और डोरू काफ़ी आगे आ गए हैं घूमते हुए वॉक करते हुए और बहुत ज़्यादा शांति है क्योंकि इस टाइम लोग या तो मॉर्निंग में काम पे जाते हैं या फिर अपने डॉग्स को वॉक कराने। और ये देखिए जहाँ पे हम घूम रहे हैं, यहाँ पे ये पॉन्ड जैसा है। इस टाइम आपको ऐसे नहीं दिखेगा शायद, ये पॉन्ड जैसा है। और मैं दिखाती हूँ आपको 2 मिनट कि हम लोग कहाँ हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ आ गए हैं और ये है सारा पॉन्ड। ये रहा डोरू और ये हूँ मैं और हम लोग घूम रहे हैं। और यहाँ पर देखिए शांति है। और ये सारा जंगल है और यहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हैं जहाँ पर हम रहते हैं। तो बस डोरू थोड़ा सा और फ्रेश हो जाए, फिर हम निकलते हैं घर की तरफ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। और ये वॉकी वॉकी करके हम लोग घर आ गए हैं और मैं सोच रही हूँ पहले मम्मी को कॉल कर लेती हूँ। इट्स 6:24, आप लोगों को अगर टाइम दिख रहा है तो 6:24 हो रहे हैं। और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, फीवर था कल मैंने कॉल किया था तो शी वॉज नॉट फाइन। तो मैं सोच रही हूँ एक बारी कॉल करके बात कर लेती हूँ, पता कर लेती हूँ तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी। तो कॉल मिलाते हैं। आई थिंक मम्मी रेस्ट कर रही है। चलो जब भी बात होगी, जब भी वो फ्री होंगी तो कॉल कर लेंगे। तब तक हम भी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। और अब मैं और डोरू उठेंगे 9 बजे, फिर करेंगे घर का थोड़ा सा काम। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, सी या। और ये हमने आज गोलगप्पे घर में बना रहे हैं। अभी हमने इनको तला है तेल में और इसका पानी रेडी हो रहा है, फिर हम इसको आराम से बैठ के खाएंगे और आपको दिखाएंगे जब ये पूरे रेडी हो जाएगा इसका स्टफ। और ये इसका पानी मीठा बहुत है।
और ये आज हमने बनाए हैं बिस्किट घर पे, इसमें सूजी और मैदा मिली हुई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नमकीन भी बनाए हैं, नमकीन मैं दिखाती हूँ आपको। नमकीन ये रहे, लास्ट टाइम भी बनाए थे, ये रहे नमकीन। तो आप भी देख के एंजॉय करिए, मैं खा के एंजॉय करती हूँ। सो मैं अभी नहा के निकली हूँ और यहाँ पर रात हो चुकी है। पूरा दिन घर की साफ़ सफाई करी, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 3 to 4 days आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। और डोरू को खाना खिला दिया है, उसे बाहर घुमा भी दिया मैंने, और अभी थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद फिर उसको वॉकी वॉकी कराने लेकर जाऊंगी ताकि वो आराम से सो जाए। वो वॉक कर लेता है तो थोड़ा थक जाता है, उसके बाद मैं भी आराम कर लेती हूँ एंड वो सो जाता है। एंड पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को ना यहाँ कुछ काट गया है आँख के नीचे एंड इट इज़ पेनिंग अ लॉट। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या करूँ, ऐसे अंदर की साइड में काटा एंड ये चीज़ फूल गई है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एंड मैं कल रात से बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पानी का आँख में छींटे मारे ठंडे पानी के, बट इट्स नॉट वर्किंग। सो होप आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और अब मैं डिनर करके सो जाऊँगी। एंड डोरू भी अपनी ट्रीट खा रहा है, खाना उसने खा लिया है। सो मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में। एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप व्यूइंग एंड कीप कमेंटिंग। आप लोगों के कमेंट्स नहीं मिलते बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को कुछ अलग सा देखना है, आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।